चलिए अब आगे। क्रियाकलाप 3, अपने सब पार्टियों की ऊंचाई पहले बालिश्तों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। इसके लिए अपने सब पार्टियों को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। आपने सिर के ठीक ऊपर दीवार पर चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार तक बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बालिश्तों से और फिर मीटर पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इन लंबाई को किस प्रकार मापना चाहिए सभी प्रश्न 10.3 में बताए गए हैं। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों को ध्यान अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के बालिश्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब कॉलम 3 के परिणामों को देखिए जिसमें सभी मापे मानक द्वारा पैमाने द्वारा ली गई ये परिणाम एक दूसरे से बहुत समीप हो सकते हैं परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक बराबर है। यदि नहीं तो आपके विचार से यह अंतर क्यों है। आखिर सभी एक पैमाने का उपयोग कर रहे हैं भिन्न भिन्न बालिश्तों का उपयोग तो नहीं कर रहे। यह अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रिपुटियों के कारण हो सकता है। मापन की इन त्रिपुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के लिए महत्व के बारे में तथा उच्च कक्षाओं में सीखना है। अब आप देखिए आपकी क्लास में भी होता है कि हाँ इस विद्यार्थी के हमें हाइट मापनी है तो इसकी लंबाई कितनी है। तो मापने के लिए हम क्या करते हैं उसको पहले दीवार के वहाँ खड़ा कर देते हैं उसके बाद जानते हैं कि किस तरीके से हम इसे माप सके। तो क्या हो जाता है कि 3 लोगों ने मापा है तो वो लोग जो अपना परिणाम लिखेंगे वो क्या हो जाता है अलग अलग हो सकता है एक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनमें उनकी खुद की हाइट भी अलग पड़ जाती है तो जिसकी वजह से जो परिणाम होंगे वो क्या हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं। अब इसके बारे में आप आगे सीखेंगे। 10.6 किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधी ही मीटर पैमाने का उपयोग कर नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। वक्र रेखा की लंबाई आप लोग सीधे नहीं माप सकते क्योंकि वक्र रेखा कैसे होती है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है तो आप किसी धागे का उपयोग कर माप सकते हैं। क्रियाकलाप 4, वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के लिए एक सिरे पर गांठ बांधकर इस गांठ के बिंदु A पर रखिए। अब धागे को अपनी उंगली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश में रखिए। इस बिंदु पर आने अपने एक हाथ से धागे को थामिए और अपने दूसरे हाथ से धागे के थोड़े भाग को वक्र रेखा में अनुदिशा फैलाइए और इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा में बिंदु B तक पहुंचाइए। धागे का जो भाग B पर है एक चिन्ह अंकित किया है। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिशा फैलाइए। धागे के आरंभ में बंदी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई जो वक्र रेखा की लंबाई है देखिए इस तरीके से आपको मापना है। ये धागा है ये वक्र रेखा हो गई। अब यहाँ से आप धागे को माप रहे हो तो धागे को मापने के लिए आप किस तरीके का उपयोग करोगे तो देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पे A लिखना है फिर यहाँ पे इस तरीके से मापने के लिए फिर ऐसे लिखने के लिए यहाँ पे आपको B लिखना है तो आप उस तरीके से माप सकते हो। ठीक है चलिए अब आगे। हमने देखा कि सुनिश्चित करने के लिए हम दूरियों तथा लंबाई की यथार्थ माप ले सकते हैं हमें बहुत सी सुविधाएं बरतनी पड़ती है। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन के परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रों की आवश्यकता भी होती है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें 10.7 हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुओं के बारे में जानकारी लेनी है। चलिए अब आगे। क्रियाकलाप 5, उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो अपने हाल ही में देखी है। इनकी सूची 10.4 में बनाई है देखिए इस तरीके से घर मेज घड़ी एक उड़ती चिड़िया घड़ी में सेकंड की सुई मेज पर मतलब घड़ी में सेकंड की सुई इस तरीके से। ठीक है चलिए सूची में स्कूल का बस्ता मच्छर मेज
कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, साइकिल, मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुइयां हो सकती। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हो बनाइए। इनमें से कौन गतिशील और कौन विराम है? आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कोई वस्तु गति है अथवा विराम है? आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मैच के उस स्थान पर। इस आधार पर यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में अथवा विराम में हो सकती है। आइए अब हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। क्रियाकलाप 6, कोई एक स्थान सुनिश्चित। चींटियों के इस स्थान के निकट कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस प्रकार कुछ चीनी रखे। चींटियां इस चीनी और आकर्षित होगी तथा शीघ्र इन्हीं कागज की शीट पर बहुत सी चींटियां रेंगते हुए दिखाई देगी। किसी चींटी की जब एक कागज की शीट पर तुरंत रेंगना चुकी हो तो पेंसिल से उनकी स्थितियों को निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए किया गया है, कागज पर रेंगती जाए आप उसी स्थितियों में चिन्हित अंकित कर सकते हैं। कुछ समय के पश्चात कागज की उस शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी एवं चींटियाँ हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया है तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति को दर्शाए गए वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंड के समय अंतराल में चींटी ने कहां कहां गति की को दर्शाया। गति किसी वस्तु की स्थिति में किस प्रकार में परिवर्तन दिखाई देता है, क्या आप ऐसा नहीं मानते? हाँ। क्रियाकलाप 5 में वस्तु के समूह बनाते समय घड़ी, सिलाई मशीन अथवा बिजली का पंखा वस्तु किसी समूह में रखा था, क्या ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान गति कर रही है? नहीं। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ी अथवा घड़ी की सुई में गति होती है, वो कैसे गति करती है? क्या इनकी गति चींटी अथवा रेलगाड़ी की गति जैसी है? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियां देखते हैं जिनमें हमें इन विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी। देखिए अब आगे गति, गति के प्रकार। तो गति के प्रकार में आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाही के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति प्रेक्षण कीजिए। किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा में अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखते हैं कि इसी प्रकार और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? देखिए इस तरीके की गति जो सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति मतलब सीधी लाइन में चलना, ठीक है। इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तु सरल रेखीय अनुदिशा में गति किस प्रकार कर रही, इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। क्रियाकलाप 7, एक पत्थर लीजिए, इसके एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय अनुदिशा में गति करता है। तो देखिए इस तरीके से ये गोल गोल गति हो रही है, इसे हम वर्तुला गति कहते हैं। इस गति में पत्थर आपके हाथ से दूरी समान रहती है, इसी प्रकार गति में वर्तुला गति कहते हैं। बिजली के पंखे, पंखुड़ी अथवा अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुला गति का उदाहरण कहा जाता है। बिजली से पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकती, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूमन करती है तथा ऐसी घड़ी की सुइयां भी गोल गोल घूमती है। यदि हम पंखुड़ियों अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार को चिन्ह अंकित करते तो घूमन करते समय, गोल गोल घूमते समय अथवा घड़ी के केंद्रीय इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय पर, देखिए इस तरीके से हो सकता है।
चलिए अब आगे, अब हमने देखा सरल रेखी क्या गति होती है और एक कौन सी गति होती है, वर्तुला गति। अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती इसी प्रकार की आवर्ती गति, जो डोरी से बांधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप साथ में उपयोग किया था। आप डोरी को अपने हाथ में थामिए, पत्थर की डोरी से लटकने दीजिए, यह लोलक, लोलक देखते हैं आप घड़ी का वो घूमता हुआ लोलक होता है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। दूसरे हाथ से पत्थर एक तरफ से दूसरी तरफ स्वतंत्र गति कर रहा है ने के लिए छोड़ दीजिए। लोलक की यह गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है। वृक्ष की शाखाओं से इधर उधर लटकना, झूला झूलना बच्चों की गति, सितार की डोरी की गति, बजते समय ढोलों अथवा तबलों की झिल्ली की गति आवर्ती गति के उदाहरण है, जिनमें कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। तो इस तरीके की गति हो सकती है। क्या आपने क्रियाकलाप 5 में एक धागे के रूप में सिलाई मशीन प्रेक्षण किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी अव्यवस्थिति पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुला गति में होता है। इनमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती है। क्या ऐसा नहीं होता, सुई आवर्ती गति है? क्या आपने अपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद को ध्यानपूर्वक प्रेषण किया? यह गेंद किसी फर्श पर किस प्रकार से लुढ़क रही है? देखिए झूला हो गया या आवर्ती गति है या लोलक हो गया, ये देखिए यहाँ पर घंटी हो गई, तबला हो गया, पर लुढ़कती घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इसी प्रकार सरल रेखीय गति साथ साथ घूर्णन गति करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बताएं जिनमें से वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है? इसी अध्ययन के अंतराल में हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की। हमने देखा कि किस समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति, स्थिति में हुए इस प्रकार के परिवर्तन दूरी मापने के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसमें से हमने यह जानकारी मिलती है कोई वस्तु कितनी धीमी तथा तीव्रता से गति कर रही। फर्श पर घोगे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी की परतें चंद्रमा के द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर गति को दर्शाते हैं। तो हमने सीधी जो रेखा में गति होती है उसे क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। उसके बाद में आपने यहाँ पे देखा था जो आगे पीछे गति होती है वो क्या होती है, आवर्ती गति। उसके बाद हमने देखा था कि जो गोल गोल घूमती है तो उसे हम वर्तुला गति कहते हैं। हमने ये गतियों के बारे में यहाँ पर सीखा। फिर हमने लंबाई को भी मापा कि पहले के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कौन से पुरानी चीज़ों का उपयोग करते थे, फिर धीरे धीरे क्या बदलाव आने लगे, फिर वो लोग ट्रेन, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, इन सारी चीज़ों का उपयोग करने लगे। तो पहले के मापने के लिए किसमें किसका उपयोग किया जाता था, तो वो उस तरीके से हाथ के द्वारा मापते थे। फिर ऐसा ही मात्रक आ गया, उसके द्वारा वो मापने लगे। चलिए यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है, तो इसका अभ्यास आपको पूर्ण करना है। ठीक है, धन्यवाद।